नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आपको खूब सारा एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज गेन करने को मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो पसंद करते होगे, और अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, जिसमें हम भूतों से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनसे शायद आज तक हम अनसुने थे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, मैकबेथ से लेकर बाइबल तक सभी में भूतों का जिक्र बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एक समय ऐसा आ गया था जब साहित्य में सिर्फ हॉरर स्टोरीज ही पढ़ने को मिलती थी। क्या आपको भूतों और आत्माओं पर भरोसा है? क्या आप मानते हैं कि संसार में रूह जैसा भी कुछ होता है? हम सभी को यकीन हो या ना हो, लेकिन भूत प्रेत से जुड़ी मजेदार बातों को सुनने में आनंद जरूर आता है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही मजेदार बातें बताएंगे जो कि भूतों और आत्माओं से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, रात में ही क्यों जगती हैं आत्माएं? दोस्तों, कहा जाता है कि आत्माएं रात को जागृत हो जाती है। वैसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। ऐसा आत्माएं दिन में होने वाले शोर और घरेलू सामान के चलने से होने वाले शोर की वजह से एक्टिव होने से डरती हैं, या सिर्फ सन्नाटे में ही उनके होने का एहसास होता है। लेकिन एक बात तो है कि हिंदी मूवीज के अनुसार भूतों को सनलाइट से डर लगता है, इसलिए शायद वो दिन के समय में नहीं दिखाई देते। नंबर टू, भूत क्या है? दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ही नहीं बल्कि उनसे पहले भी मिस्र में ये बात कही जा चुकी थी कि मौत के बाद भी जीवन होता है, बस उनका रूप बदल जाता है, और यही भूत कहलाता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर भूत होते क्यों हैं? कोई भी इंसान अपनी मौत के बाद भूत में ही क्यों तब्दील हो जाता है? तो इसका जवाब है उनकी जिंदगी असंतुष्ट ख्वाहिशें, या फिर सडन डेथ उन्हें भूत बनने पर मजबूर कर देती है, और जो काम वो जीते जागते नहीं कर पाए उसे शायद फिर भूत बनने के बाद करने की कोशिश करते हैं। नंबर थ्री, भूतों के भी अलग अलग रूप। दोस्तों, भूत और आत्माएं कई रूपों में आती हैं। उनका कभी कोई आकार नहीं होता। कभी वो सफेद कपड़ों में तो कभी साए के रूप में नजर आती हैं। कभी उनका कोई आकार नहीं होता, बस आभास होता है। कभी वो दूसरों के शरीर में घुसकर तो कभी दूसरों को नजर आकर अपने होने का अनुभव कराती हैं। नंबर चार, किसे दिखते हैं सबसे ज्यादा भूत? दोस्तों, बच्चों और जानवरों को सबसे ज्यादा भूत दिखते हैं। वैसे ये तय नहीं किया जा सकता कि भूत किसी सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत ऐसे असंतुष्ट आत्माएं घूमती रहती हैं। वो कभी किसी को तो कभी किसी को अपने होने का अनुभव कराती है। हाँ, मगर ये सच है कि जानवरों को आत्माओं के होने का आभास बहुत जल्द हो जाता है। नंबर पांच, अचानक से नीली रोशनी का मतलब। अगर रोशनी जल रही है और अचानक से नीली जलकर बंद हो जाती है तो माना जाता है कि वहाँ भूत है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अंधेरे में भूतों का या आत्माओं के आभास का अधिकतर अनुभव किया जाता है। नंबर छह, आत्माएं अच्छी होती हैं। दोस्तों, हम सब का यही मानना है कि भूत मतलब एक नेगेटिव पावर जो अपने आसपास के लोगों को परेशान करती है, मगर ये एक पूरा सच नहीं है। बहुत सी आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अच्छी होती हैं, मदद कर देती हैं, घर के प्राणियों को परेशान नहीं करती। जैसा कि हम सब बोलते हैं कि हमारे पितर शायद हमें कभी परेशान नहीं करते, और बाहरी नेगेटिव पावर से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मरने के बाद सारी आत्माएं बुरी नहीं बन जाती। नंबर सेवन, भूतों के बारे में क्या कहा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने? दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपनी साइंस और खोज की वजह से बहुत फेमस हैं, उनका मानना था कि एनर्जी कहीं नहीं जाती है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि कुछ आत्माएं नेगेटिव पावर क्रिएट करती हैं और कुछ पॉजिटिव। नंबर एट, रोज गार्डन में भी आत्माएं। दोस्तों, वुड्रो विल्सन के शासन के दौरान आने वाली पहली महिला ने डोले मेडिसिन पुरस्कृत रोज गार्डन को गाड़ने के लिए माली लोगों को आदेश दिए। ऐसा कहा जाता है कि डोले की आत्मा अभी भी भटकती है और वहाँ के लोगों को दिखाई देती है। नंबर नाइन, अब्राहम लिंकन की आत्मा भटकती है व्हाइट हाउस में।
दोस्तों, क्या इस बात पर भरोसा किया जा सकता है? मगर कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की आत्मा अभी भी व्हाइट हाउस में रहती है। कई लोग इस बात के लिए बड़ा दावा करते हैं और कुछ मेहमानों को अपने प्रवास के दौरान अपने कमरे में कई बार दस्तक भी सुनाई देती है। एक बार जब नीदरलैंड की रानी व्हाइट हाउस में ठहरी थी, उन्हें अपने बाथरूम में दस्तक सुनाई दी। जब दरवाजा खोला तो लिंकन थे। इसके बाद रानी बेहोश हो गई। जब उठी तो उन्होंने खुद को बिस्तर पर पाया। नंबर 10, क्या ये आत्माएं संतुष्ट होकर कहीं चली जाती हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि अगर कोई असंतुष्ट आत्मा भटक रही है तो उसकी मनचाहे काम को पूरा करके उसकी आत्मा को संतुष्ट किया जा सकता है। मगर ये संभव नहीं है कि 100% आत्माओं को संतुष्ट करके उन्हें खत्म किया जा सके, क्योंकि आत्माएं कभी खत्म नहीं होती। वो कभी एक शरीर से दूसरे शरीर में या एक जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज की हमारी वीडियो पर आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।